नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल RRJEE पामिस्ट्री शो में। दोस्तों आज हम डॉक्टर साहब के यहाँ मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। ये डॉक्टर, इनका नाम है डॉक्टर बलराम मेहता बिमल और ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी चर्चित और काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी लोग इनसे लाभ भी उठाते हैं। आज हम इनसे मिल के जानेंगे NRC और CAA के बारे में विस्तार से, आखिर क्यों इस देश में इतना NRC के बारे में विरोध कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के क्लिनिक के पे आ चुके हैं दोस्तों और इनसे हम जानना चाहेंगे NRC और CAA के बारे में। दोस्तों जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे काफी सब्सक्राइबर का कहना है कि हम जानना चाहते हैं अच्छा से और वेल एजुकेटेड और काफी लोग अच्छे लोगों से कि NRC और CAA के बारे में इतना लोग क्यों विरोध और काफी सपोर्ट भी करते हैं और काफी ज्यादा परेशानी इस देश में हो रहा है। काफी ट्रेन वगैरह, रेल वगैरह में, बस वगैरह में आग वगैरह लगाई जा रही है, आखिर इससे क्या हमारे देश को नुकसान और क्या फायदा है NRC और CAA के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। पहले तो NRC और CAA के संबंध में मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को 100 बार नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज़ादी के बाद 70 वर्ष के पश्चात इन्होंने इस बिल को लाए हैं, जो अत्यंत उत्तम बिल है, जो आज से 50 साल पहले आना चाहिए था, उस समय इनकी सरकार रही नहीं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने NRC ले आए, जिससे यह पता चलेगा NRC का अर्थ है कि इस देश में कौन सही आदमी है और कौन गलत आदमी। तो परीक्षण तो हर आदमी को करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में उपद्रवी, विदेशी घुसपैठिया और आतंकवादियों का भरमार है, उनको पकड़ने के लिए NRC और CAA का होना अनिवार्य है। इसलिए हमारे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करके इस देश के शांति व्यवस्था के लिए यह अहम भूमिका निभाए हुए हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा आदमी नागरिक है, कौन नहीं है। तो विदेशी घुसपैठिया आतंकवादी को भारी परेशानी है, जिन्होंने हम इस भारत देश में अपना पैठ जमा चुका है और वह इसका विरोध करता है ताकि उसका पकड़ाव नहीं हो, भ्रष्टाचार बना रहे ताकि उसका बिजनेस जारी रहे, इसलिए वो इसका विरोध कर रहा है। इस देश का जनसंख्या 125 करोड़ है, जिसमें 100 करोड़ लोग इसका सपोर्ट करता है और 17 करोड़ लोग जो एक विशेष समुदाय के हैं, वो अपराध पर तुला हुआ है, इस देश को बर्बाद करने की तरफ तुला हुआ है, जो इसका विरोध करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गौण हैं, ना तो उधर है और ना इधर है, अर्थात 125 करोड़ लोग इस देश के वसवासी हैं। ऐसी परिस्थिति में NRC को सपोर्ट करना अनिवार्य है और सपोर्ट करने वाले को धन्यवाद है, इसलिए कि NRC एक कुशल प्रशासन का सूचक है और कोई भी व्यक्ति, विद्वान हो या मूर्ख, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो अपने अभिव्यक्ति से, सोच से, विचार से, भाषण से अपना परिचय व्यक्त कर देता है। चरित्रहीन व्यक्ति कितनों भाषण दे, कुछ लोग ही उसके साथ जाता है जो अजगल गगड़ी छलकत जात कहलाता है। अजगल गगड़ी छलकत जात एक कहावत है, कुछ लोग अर्धबुद्धि वाले उस भ्रष्टियों के साथ लगकर हल्ला गुल्ला करता है, बुद्धिमान लोग उसके साथ नहीं जाता। इसीलिए NRC लागू होना जरूरी है और इसका विरोधी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, जो नकली देसी है, उसको पकड़ना है, वह विरोध करेगा ही, उसके विरोध से घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारे मोदी जी को मजबूती से इसे लागू करना चाहिए, इसलिए कि चोर में चिल्लाहट होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो पकड़ाएगा ना। दूसरी बात है कि CAA मानवता,
मानवता का प्रकाश था, जिसमें मानवता का प्रकाश था नहीं है, जिसमें मानवता नहीं है उसे दानव कहा जाता है। मानव और दानव दोनों आदमी ही होता है। दानवीय प्रवृत्ति वाले लोग दानव हैं और मानवीय प्रवृत्ति वाले लोग मानव हैं। जो CAA का सपोर्ट करता है वह मानव है, जो विरोध करता है वह दानव है। CAA का सरपट अर्थ होता है कि कोई भी दुखी आदमी कहीं कष्ट भोग रहा हो या प्रताड़ित है, उसे कोई सता रहा हो, तो उसे सुरक्षा प्रदान करना, उसे बसाना, बचाना, संपन्न करना, यह उत्तम प्रक्रिया है। और इसका विरोध करना अर्थात किसी मानव को सताना दानवता है। तो इसी CAA का विरोध करना दानवता है, वह अपराधी है, वह जुर्मी है, चाहे वो किसी देश में हो, किसी शहर में हो, किसी गांव में हो, वह तो अपराधी है। इसलिए अपराधी कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, किसी भी जाति के लिए, किसी भी भेद के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। सभी दलगत से ऊपर सत्य और न्याय के पथ पर चलना चाहिए और हम सत्य और न्याय के पथ को स्वीकार करने वाले, चलने वाले बहुत प्यार करते हैं। गंदी विचारधारा के लोगों से हम नफरत करते हैं। कोई भी देश हो, सर्वत्र शांति व्यवस्था हो, उपकाराय पुण्याय पापाय परपीजनम, अर्थात दूसरे का उपकार करना ही पुण्य है, किसी जीव को सताना, किसी दूसरे को तबाह करना ही पाप है। अब तो इसी तरह दूसरा बात है कि हमारे मोदी जी इतने अच्छे काम किए हैं कि मानवता की प्रकाष्ठा का प्रकाश पुंज फैलाए हैं, जो संपूर्ण संसार के सामने प्रस्तुत हो चुका है। और कोई भी देश हो, हर देश को आजादी की जरूरत है, उन्हें शांति चाहिए। इसलिए CAA एकदम अति आवश्यक जरूरी है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि CAA का विरोध करना दानवता का परिचय है, अतः उसके विरोधियों पर कड़ी प्रतिबंध लगना चाहिए। और मेरे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके द्वारा जो भी कदम उठाया जा रहा है, जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है, वो अत्यंत सराहनीय है। किसी भी अपराधी को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर अपराधी का दावा है कि हम रेल में आग लगा देंगे, बस में आग लगा देंगे, इस देश को हम खत्म कर देंगे, इस देश को रहने का अधिकार नहीं है, मानव को रहने का अधिकार नहीं है, तो फिर उस दानव को रहने का क्या अधिकार है? उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कदम उठाई जाए, और यदि नहीं माने तो उसे फांसी तक दी जानी चाहिए, आजीवन कारावास की व्यवस्था होनी चाहिए। यह परम सत्य है। मैं इसलिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शाह जी और मोदी जी को सौ सौ बार नमन है, धन्यवाद है। तो दोस्तों आज हम डॉक्टर साहब से जाने कि CAA जो है संशोधन के लिए बनाया गया है बिल, नागरिकता के संशोधन के लिए, और NRC जो है संशोधन के बाद जो बिल होगा CAA से उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा इस देश के नागरिकता के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।